नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल अश्व ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप घर बैठे वशीकरण के आसान उपाय तरीके जानना चाहते हैं? दोस्तों, आज हम कपूर से एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आए हैं जिसका प्रयोग आप अपने घर बैठकर आराम से कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी भी स्त्री को या फिर किसी भी पुरुष को अपने वश में कर अपनी बात को मनवाना, या फिर दोस्तों अगर किसी स्त्री पर आपका दिल आ चुका है, आप उस स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ वशीकरण उपाय टोटके करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि जो हम वशीकरण टोटका आपके लिए लेकर आए हैं ये वशीकरण टोटका आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं आसान उपाय तरीके टोटके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मन चाहे इंसान को वश में कैसे करें या किसी भी स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा? दोस्तों, कपूर के माध्यम से वशीकरण का लाभ यह है कि आप परिवार के अंदर या बाहर किसी भी व्यक्ति को मन प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो कोई पराई स्त्री हो या पुरुष हो या फिर आपका प्यार हो या फिर अन्य कोई हो। इस प्रक्रिया के लिए शुक्ल पक्ष में किसी भी रविवार का चुनाव करें और 4 कपूर लें, जिस किसी को आप वशीभूत करना चाहते हैं, जिसको भी आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। शुक्ल पक्ष के रविवार को इस कार्य को करना होगा। उन 4 कपूर की टिक्कियों को उस इंसान के ऊपर से 7 बार उतार लें। इसके बाद उसका चूर्ण बना लें। दोस्तों, चूर्ण बनाने के बाद आपको इसके अंदर थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा गोराचन मिलाना होगा और दोस्तों उसके बाद इसे एक मंत्र से अभिमंत्रित करना होगा। मंत्र होगा ओम क्लीम चै फट कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, 101 बार इस मंत्र का जाप करें उस बने हुए पेस्ट को हाथ में लेकर। दोस्तों, उसका तिलक आपको अपने माथे पर लगाकर उस स्त्री या पुरुष के सामने जाना होगा जिसका वशीकरण करना चाहते हैं और उनसे इस तरह से बात करें कि उनका ध्यान आपके तिलक पर जाए। जैसे ही उनका ध्यान आपके तिलक पर जाएगा, वो इंसान आपके वशीभूत होने लगेगा। अगर आप किसी स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आप तब भी इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप किसी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आप तब भी इस तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण तिलक नहीं है, ये मंत्र द्वारा अभिमंत्रित हो चुका है। इसके अंदर वो आकर्षण है जो सामने वाले को आपकी तरफ खिंचाव लेकर आएगा और वो इंसान पूरी तरह आपके काबू में होने लगेगा। मन चाहे इंसान का वशीकरण करने के लिए घर बैठे कपूर से वशीकरण का बहुत ही आसान और सरल तरीका आज आपके लिए लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। किसी तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो में दिए हमारे नंबर पर कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।